प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं कथा सुनाया करता हूं कभी कभी, हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं, तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे ही भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे अब थोड़ी आते हैं, उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भंडीर बनाते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू, अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोरा है। याकू पाने के लिए कहा करना पड़ेगा, बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी, बोले ये मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा। याकू कहा प्रिय मैं याकू खवाई दूंगा, बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिले ही जाएंगे, रसखान बन गए। ऐसी भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। एक दिन दो दिन तीन दिन उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मो में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए, बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मोए कि मैं गैया चरा के आऊंगो, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर अत्यंत रसमयी अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा वो छवि देख करके वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे ना कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। आहा तारी कजरारी से जादू की पिटारी पलके, तारी कजरारी से जादू की पिटारी पलके, उनमें मदहोशी भरे उस पे मदहोशी भरे उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तेरे छे नयन पग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन डोले ब्रज कुल जो में डोले श्री वृंदावन में झूम के राधामन पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गयो कहा केनो मुकु और जाकर के चरणन में प्रणाम करके बोलो आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में
ठाकुर जी बोले, तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना मैं मुझे क्या पतो। अरे गुरुजी बताए रे, आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गलेन में मोती की माला पहनो, आपको वरण नीलो नीलो है और आप पीताम्बरी पहनो, सब कछु तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बतामे, तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बतामे। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं, जाकू तो गुरुजी सुना मैं। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपनो नाम बता। तो भोंदू बोलो, मेरो नाम तो कछु और है, पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला मैं। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसे, हंसते हंसते बैठ गए। बोले का नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले, तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आ जा मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले, अब देख तो ही रहेगो कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुख भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो, आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंदी भाई दो रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो, अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया, तू पहलो भक्त देखो जो भगवान से ही मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले, सुन मैं तो ना छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल ते ज्यादा लेके आई हो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ ही दियो, मुकु भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना, मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा ले आई हो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे। भोंदू बोलो, मैया तो कह दे करो आपको खवाए करे, इतना भूखो ना रखो करे, दूसरे इनकी रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले, कल ते दुगनी लेके आई हो। अब भोंदू चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया, उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से, मेरी मेरी तपस्या कम थी, मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने भोंदू से कहे, भोंदू हमको पता चली तुम दो तीन दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहाँ ले जाते हो? भोंदू बोलो, गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले चार दिन पहले ही उदय भए हैं, और मैं वन में जाऊं भांडीर वन में, वो ही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले, भोंदू कौन आते गई? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं गुरुजी, उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे मैं आपको कहा बताऊं, और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर हैं, मैं तो उनते पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रहेगा, मेरी सबरी रोटी न खा गए, उनको बड़ी भूख लगे, हमारे उनके काजे दुगनो लेके जा रहा हूं गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते, ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कही, अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो, मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए, ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो, जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरु जी ने आपको बुलाया है, चलो मेरे संग गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले, देख तू हमारो मित्र, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे, ये तेरे गुरु जी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं ना जाऊंगा कोई के पास। गुरु जी के पास जावे की जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो, आप मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे? बोले ना जाऊंगा, मैं तेरे गुरु जी जानू ना हूं, और तेरे तेरों मित्रों में गुरु जी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास ना जाऊंगा। भोंदू बोलो, अंतिम बार पूछ रहा हूं, चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले ना मैं तो ना जाऊंगा।
इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लई। ठाकुर जी बोले जेका कर रहो, बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में जे ये मुए दो लो, छीन लई ठाकुर जी थे, ये मत खाओ, ये गुरु जी के यहाँ बनी वही है, हमारे गुरु जी ते बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध ना रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसो काई गुरु उठ रहा, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठ हुए थे कहा है, आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मुकु गई गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कह दे ठाकुर जी चले चलो ना, गुरु जी बड़े बढ़िया है मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मुकु। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे, और सुनो कल ते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकु मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा, और जहां मेरी गैया आमेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आस पास मत आइयो। ठाकुर जी उसकी बात सुनना बोले अच्छा, तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना। तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं, मो कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनू रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कह ए भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो अब तब ही रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरुजी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहा है, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले चल इतना हट करे लेके चल अपने गुरुजी के पास, अब ही चलूंगा तेरे गुरुजी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरुजी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरुजी की दृष्टि पड़ी तो कहा देखो ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा है जगह जगह, और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे। आहा ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित है गए। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो तब भी आपके दर्शन नहीं है पाए, और ये भोंदू अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप केवल गैया चरावे पीछे बैठ के कथा सुने, एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही ले आए हो चार दिन में। तो ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय, ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे, और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे उतना दिन लगावेंगे ठाकुर जी।